नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें मैं आपको एक ऐसे आईपी के बारे में बताऊंगा जो आपको ऐसे आसार दिख रहे हैं कि अभी जो आपका मार्केट में जो आपका आईपी चल रहा है इन सभी को फेल करने वाला है। इसकी जो जीएमपी है काफ़ी आपको अच्छी खासी दिखने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ रत्नाबीर आईपीओ का। इस वीडियो में आपको इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में और इसका क्या रिव्यू है आपके इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इसका कंप्लीट फाइनेंशियल डाटा और इसका क्या जीएमपी चल रहा है इसके बारे में और कंपनी करती क्या है सारे इन चीज़ों को इस बड़ी ही बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बने रहें, आज के वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से ऐसा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको रत्नाबीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ का पूरी ही डिटेल्स को बड़ी ही बारीकी से कवर करने वाला हूँ। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आपको देखने को मिलेगा कि ये आप जो आपका आईपीओ है सितंबर महीने का पहला मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसमें आपको प्रत्येक ही चीज़ को बड़ी ही बारीकी से कवर किया जाएगा। तो चलिए इसके आईपीओ पे पूरी बारीकी से नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है मार्केट में आपको 2002 में बनती हुई दिखी थी। ये जो कंपनी है मेनली आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करती है, जो आपका स्टेनलेस स्टील का जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको बनाती है, जैसा कि आपका सीट्स हो गया, आपका वाशर हो गया, सोलर रूफिंग आपका जो हुक्स होता है वो हो गया, पाइप्स एंड ट्यूब्स हो गया। और मेनली जो आपका जो ये कंपनी है आपको स्टेनलेस स्टील बेस्ड ही प्रोडक्ट्स को बनाती है, जो आपका ऑटोमोटिव प्रोडक्ट हो गया, सोलर पावर से रिगार्डिंग हो गया, आपका विंड एनर्जी से रिगार्डिंग हो गया, या आपका पावर प्लांट्स हो गया, ऑयल गैस, आपका फार्मास्यूटिकल और सैनिटरी और आपका प्लम्बिंग, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और आपका इलेक्ट्रोमैकेनिक्स इस टाइप का प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलता है, जो आपका बिल्डिंग में हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और आपका किचन में हो गया, ये सारी चीज़ों को किचन अप्लाइंस इस सारी चीज़ों को आपको बनाती है। इस कंपनी के पास मेनली चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें आपको दो यूनिट्स वन और टू आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। और जो कंपनी है ये जो आपको रत्नाबीर कंपनी है, इनका जो इच्छा है कि इस कंपनी को और भी अपने पोर्टफोलियो को वास्ट किया जाए, इसको एक्सपेंड किया जाए और इसमें जो अपना ये अपने पोर्टफोलियो में आपको जो वाशर का जो सरक्लिप होता है उसको ऐड करके इसमें एक अलग से यूनिट बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि जो कंपनी मेनली आपका स्टेनलेस स्टील से आपका स्टील का जो प्रोडक्ट्स हो गया आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हुई दिखेगी, जो आपको वेरियस टाइप का प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो दोस्तों चलिए अब इसका इम्पोर्टेंस आपका आईपीओ का जो टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आईपीओ का जो 4 सितंबर के दिन आईपीओ का ओपनिंग होने वाली है और 6 अगस्त के दिन इसकी आईपीओ की क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका जो अलॉटमेंट है आपको 11 सितंबर मंडे के दिन होता हुआ दिखेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है तो आप देख सकते हैं कि आपको 12 सितंबर के दिन आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, आप 13 सितंबर के दिन यदि आप अलॉटमेंट आपको मिल जाता है, आप लकी रहते हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बात की जाए लिस्टिंग की तो आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर के दिन इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ का जो अगर बात करें फेस वैल्यू की, तो आप देख सकते हैं कि आईपीओ का जो फेस वैल्यू है आपको 10 रुपये का है। तो दोस्तों इस तरह आप इसका सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। और इसकी जो आपका आईपीओ है ये आपको बीएससी और एनएससी पर लिस्टेड होती हुई दिखेगी। और ये कितने करोड़ का आईपीओ होने वाला है ये अभी इनके द्वारा साइट पे कुछ अपडेशन नहीं आया है, जैसे ही आता है मैं आपको जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आईपीओ आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 86.3% देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर बात की जाए रिजर्वेशन कोटा की, तो आप देख सकते हैं कि क्यूआईबी के लिए 50%, एचएनआई के लिए 15% और आपका रिटेल के लिए 35% शेयर को रिजर्व रखा गया है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ जो सारा डाटा दिया हुआ है आपको ईयरली बेसिस पे दिया हुआ है। बात करें अगर एसेट्स की, तो रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सारा ही शानदार इमेजिंग नंबर देखने को मिल रहा है। बात करें एसेट्स की, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में 255 करोड़,
मार्च 22 में 308 करोड़ और मार्च 23 में 329 करोड़ देखने को मिल रहा है। बात करें रेवेन्यू को तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में 364 करोड़, मार्च 22 428 करोड़, मार्च 23 481 करोड़ देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में लगभग 6 करोड़ के अराउंड, मार्च 22 लगभग 10 करोड़, मार्च 23 25 करोड़ के पास है। और इसके नेटवर्थ की बात की जाए तो मार्च 21 में 57 करोड़, मार्च 22 में 66 करोड़ और मार्च 23 में 106 करोड़ का आपको नेटवर्थ देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 52 करोड़ के अराउंड इनके हाथ में सरप्लस है। और अगर बोरविंग की बात की जाए तो 150, 190 और 230 के अराउंड इनके हाथ में बोरविंग है, इनके ऊपर इतना कर्ज है। तो देख सकते हैं कि इनके हाथ में ठीक ठाक आप बोल सकते हैं कि सरप्लस भी है, लेकिन थोड़ी सी कर्ज ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ROE है आपका 29 के अराउंड है और ROCE आपको 13 के आसपास है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये थोड़ी ज़्यादा है और EPS भी इनका 7.5 रुपये के आसपास है। बात की जाए IPO के ऑब्जेक्टिव की तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में इस IPO को क्यों लाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो IPO है ये आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपका IPO में लेके आ रहे हैं। और दूसरा इन्होंने पर्पस डाला है कि जनरल कॉरपोरेट पर्पस, जिन्होंने इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो आप देख सकते हैं इसका जो सारा डिटेल्स और डाटा है मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों चलिए इसके आपको GMP पर नज़र डालते हैं कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर इसकी GMP की बात की जाए तो आप इसके GMP में देख सकते हैं कि अभी जो इसका GMP है अभी आपका ये 25 रुपये के अराउंड ट्रेड करता दिख रहा है। तो जैसे जैसे इसका जो डेट नज़दीक निकल के आएगा इसमें भी आपको उछाल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप चिंतित ना हो कि आपका ये 25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका भी डेट है काफ़ी अभी पीछे है। तो दोस्तों इस तरह आप इस चैनल पे बने रहें, यदि हमारे प्रयास यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।